नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। यादों का सफ़र बड़ा सुहाना होता है जो ताउम्र जहन में ज़िंदा रहती है, ठीक वैसे ही जैसे नवाबों की नगरी भोपाल में। आलीशान शॉपिंग मॉल में खुल रहे बाज़ारों के बावजूद उनमें वो बात कहाँ जो कभी पहले शहर में सिर्फ महिलाओं के लिए सजने वाले एक अनोखे बाज़ार में नज़र आता था, जहाँ चूड़ियों की खनखनाहट और पायलों के संगीत की मुस्कुराहट आत्मा में बसकर अमर हो जाती थी। तो आइए आपको ले चलते हैं कभी शहर की शान रहे एक ऐसे ही बाजार के सुनहरे सफर पर। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भोपाल रियासत की अंतिम महिला शासक सुल्तान जहां बेगम ने सबसे पहले साल 1916 में महिला क्लब के माध्यम से एक बाजार की शुरुआत की, जिसका नाम था परी बाजार। इस बाजार की खासियत ये थी कि यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही आने जाने की इजाजत थी, दुकानदार भी महिलाएं और खरीददार भी महिलाएं। बेगम सुल्तान जहां के इस प्रयास से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा, साथ ही समाज में उन्हें समानता का अधिकार और सिर उठाकर जीने का साहस भी मिला। साल 1943 में नवाब हमीदुल्ला के जन्मदिन के मौके पर इसी परी बाजार से धन संग्रहित कर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सिपाहियों के कल्याण के लिए भी भेजा गया। यही बाजार महिला उद्यमिता की सबसे पुरानी पहचान बन गई। वक्त की गर्द ने इस बाजार की रौनक खत्म कर दी, लेकिन इसके निशान आज भी मौजूद हैं। आइडिया बेसिकली ये था कि जो नए नई पढ़ के निकली हैं लड़कियाँ, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े, उनके सोशल स्किल्स हों, प्रोग्रेसिव आइडियाज हों। तो सब अपना कढ़ाई कशीदाकारी वगैरह जो लाते थे, और उसके साथ साथ वहाँ पर और तरीके की भी दुकानें लगाती थी जो भी लेडीज़ की इंटरेस्ट की होती है, बच्चों के कपड़े, मुरब्बे की, अचार, खाने पीने का। उसके साथ साथ लेक्चर्स भी दिए जाते थे जो कि औरतों के लिए ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती थी, कभी कभी कुछ पकवान बनाने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाता था। फिर ये प्रथा आगे भी चली। नवाब हमीदुल्ला जो अंतिम शासक का सुल्तान जहाँ बेगम के बेटे थे, उन्होंने भी समय समय पर ये लगाया। 1943 में उनके जन्मदिन के समय उन्होंने मीना बाज़ार आयोजित करा। मीना बाज़ार में जब लेडीज़ आती थी सज धज के, और बिल्कुल मतलब उनको ये नहीं लगता था कि हमें यहाँ कोई रोक टोक है, बहुत बनाव श्रृंगार करके आती थी। उनकी जो चूड़ियों की खनखनाहट, और तो ऐसा लगता था जैसे परियां आ गई हैं ऊपर से, इसलिए परी बाजार भी उसको कहा जाने लगा। नवाबों की नगरी भोपाल एक खास तरह के बाजार से गुलजार रही, जहां 100 साल पहले लगने वाली रियासतकालीन परी बाजार की यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की तरफ से गौहर महल में मीना बाजार का आयोजन किया गया।
इस्लामिक विरासत की पहचान और मुगल कालीन शानो शौकत को बयां करने वाली इस मीना बाजार का शुभारंभ ग्राम एवं कुटीर उद्योग मंत्री कुसुम महदेले ने किया। हर एक स्टॉल पर जाकर वह मौजूद उत्पादों को देखा और महिलाओं की बेजोड़ कलाकारी की कायल हो गईं। एक प्रकार से हमने पुराने इतिहास को जिंदा किया है और ये कोशिश की है कि पुराने जमाने में भी महिलाएं उपेक्षित नहीं थी, बकायदा उनको सम्मान दिया जाता था और उनकी कलाओं को उजागर किया जाता था और उनकी प्रतिभा क्षमता कला को उजागर करने का एक प्रयास है, जिससे कि वो अपनी आर्थिक आमदनी भी बढ़ा सके और अपने टैलेंट को भी बाहर ला सके, इसका प्रयास है। और आर्थिक रूप से मानसिक रूप से सामाजिक रूप से अपने आप को सक्षम बना सके, ये संदेश देने की कोशिश की है। और महिलाएँ सक्षम बने, उन्नति करें, बराबरी का दर्जा हासिल करें, ये हमने कोशिश करी है। 1943 से बंद हुआ है, उसके बाद हमने अब चालू किया है और ये हमारे विभाग का प्रयास है जिसको हमने चालू किया। इस परंपरा को कायम रखेंगे, हर साल लगेगा और अन्य शहरों में भी इसको ले जाने का हम प्रयास करेंगे। रिमझिम फुहारों और सतरंगी रोशनी के बीच अपने सुनहरे इतिहास पर इतराता गौहर महल। मोगरे और गुलाब की खुशबू से महकता मीना बाजार। यकीनन एक साथ एक वक्त पर दो शाही विरासतों के ऐतिहासिक संगम के इस नजारे में जन्नत सा सुकून भी है और एक अपनापन भी, जिसे महसूस करने के लिए यहाँ खास मेहमानों का तांता लगा है। देखिए जरा, ठहर कर गौर से निहारिए, कई शानदार मेलों और आयोजनों की मेजबानी कर चुके गौहर महल को गुलजार कर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही इन सुंदर और शाही शान शौकत के सामानों को। गेंदे और गुलाब के फूलों से की गई सजावट साफ बयां कर रही है कि इस जगह को सिर्फ महिलाओं के लिए ही सजाया गया है। नुमाइश के लिए रखी गई चीजें आम होने के बावजूद बेहद खास होने का एहसास करा रही हैं। वाकई विभाग का ये प्रयास सराहनीय है। गौहर महल में बहुत ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की, तो वहाँ से लोगों की कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो कह रहे कुछ जो पुरानी यादें हैं उनको दोबारा जागृत किया जाए। और हमारी महिला शिल्पी, विशेषकर मध्य प्रदेश में जो महिला शिल्पी हैं, चाहे वो वीवर्स हों चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स की में संलग्न, बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और परंतु वो कभी भी अकेले मौका नहीं मिल पाता कि वो अपना कला का या अपनी जो वो बनाती हैं उसको प्रदर्शित कर सकें। आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मेला में भी आते हैं, प्रदर्शनी में आते हैं, हमसे सामान भी खरीदते हैं, पर अकेले जो करने का एक कॉन्फिडेंस है कि अकेले मैं बेच सकती हूँ, अकेले मैं ग्राहक से बात कर सकती हूँ, अकेले ग्राहक से बात करके मैं समझ सकती हूँ कि उसको क्या चाहिए, वो कभी अभी तक हुआ नहीं था। तो हमने कहा क्यों नहीं इसका इस जो पुरानी जो अपनी परंपरा एक
एक चीज़ हुआ करती थी वहाँ पे, उसको सहारा लेके जो हमारे महिला शिल्पी हैं उनको एक मौका दिया जाए कि वो आए अपने आप स्टेज पे, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, और इस प्रकार जो अपनी लेडीज़ हैं भोपाल की उनको भी एक नया एहसास होगा कि देखें कैसा लगता है एक प्योरली महिला के बाज़ार में जाने में, क्या वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अलग होता है, तो खट्टा मीठा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये इसकी परिकल्पना की थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारी एक समृद्ध कला है, ये जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको भी इसका एहसास होना चाहिए कि देखिए कैसे लोग बनाते हैं, कैसे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, कैसे वीविंग होती है। तो उनको आमने सामने लाने के लिए हम लोगों ने इसकी परिकल्पना की थी कि जो यंगर जनरेशन को पता तो लगे कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कैसे बनता है, इसमें कितनी मेहनत लगती है, और जो लोग लगे हुए हैं वो किस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके पति भी उनके यू नो दिल में एक रिस्पेक्ट की भावना आएगी, और फिर आप वो सामान खरीदेंगे और उसको रियलाइज करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ महिलाओं के लिए लगाए गए इस मीना बाजार के दरवाजे भी मूल रूप की तरह ही सिर्फ महिलाओं के लिए ही खोले गए, जहाँ प्रदेश के दूर दराज से आई महिला कलाकारों ने अपनी कला और हुनर से तैयार किए उत्पादों के स्टॉल लगाए, जिसमें खूबसूरत होम डेकोरेटर से लेकर शाही परिधानों को भी शामिल किया। कद्रदानों की चहलकदमी और कारीगरों के कमाल से रौनक होता गौहर महल पूरे 72 साल बाद एक बार फिर गवाह बना है शहर की शाही विरासत को खुद में शान से समेटे मीना बाजार के इस ऐतिहासिक लम्हे का। यहां आने वाली महिलाओं के चेहरे पर बिखरती मुस्कान भी अपनी अनमोल सभ्यता और संस्कृति को करीब से देखने समझने की संतुष्टि का एहसास करा रही है। In Bhopal, so I'm feeling good. मतलब जो males हैं, they generally get bored in all these type of things. So they are sitting back home and we are enjoying the shopping. So it's a good thing and a new concept which I'm really liking it. मीना बाजार में आने वाली महिला शिल्पियों ने सिर्फ अपने हाथों से बनाए साजो सामान उतारे हैं। रियासती दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्त्र और परिधान के साथ ही उनके छाया चित्रों को भी बाजार में प्रदर्शित किया गया। हमारा जो मटेरियल है पूरा कॉटन मटेरियल हम यूज करते हैं, और हमारा खुद का बना हुआ है भी है, खुद का प्रोडक्शन भी है, और ब्लॉक प्रिंट के कुर्ते हैं और हेलमेट है पूरे ये वाले। और इसके बावजूद यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है। और ये बड़ी अच्छी बात लगी कि लेडीज ही सब कुछ कर रही है, अरेंजमेंट भी लेडीज ही कर रही है और सेल भी कर रही है और ख़रीदने भी लेडीज ही आ रही है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और सिर्फ औरतों ने बनाया है इसलिए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर आकर कि औरतों को एक प्लेटफॉर्म तो मिला है अपने टैलेंट्स को दिखाने का, और जो लोग कभी बाहर नहीं आते उन लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा लाजवाब और नायाब सुंदरता वाले शाही लैम्प, होम डेकोरेटर, इंदौरी कुर्ती, बांस शिल्प, पेपर मैशी और मधुबनी समेत कई सामान पेश किए गए। अब जरा अलहदा भोपाली अंदाज को पेश करने के लिए दीवाने खास में सजाए गए इस घेरदार कुर्ता पाजामा और पाकिस्तानी कुर्ते पर भी नजर फेर लीजिए। ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं वो सारा हमारा ही क्रिएशन किया हुआ, जैसा कि ये मैग्नेनी ने हम लोगों को प्रमोट किया है इसके मीना बाजार के लिए, तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, इन लोगों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का जो सेलिंग पावर हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। फॉर दी लेडीज़ बाई दी लेडीज़, तो हम यहाँ पर लाए हैं, हमने इंट्रोड्यूस किया हैंड भोपाली वर्क है सारा। अभी बहुत सारा पाकिस्तानी वर्क इन है, पाकिस्तानी लॉन्ग स्टाइल कुर्तीज़ एंड प्लाजोज के साथ कंबाइन करके बहुत ज़्यादा मिसमैच करके पसंद कर रहे हैं लोग, जैसे पहले एक कॉमन ड्रेस सेंस रहता था, तो मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके डिज़ाइन किए।
इसमें अपना देसी चीज़ आ रही है एक लाइका, क्योंकि बाहर आपको वो वेस्टर्न टच होता है, यहाँ पूरा इंडियन वेस्टर्न में स्टाइल में इंडियन का वो हो रहा है, तो ये डिफरेंट है। हाथ से बनाया गया है, पूरा तैयार किया गया है, रेशम के और सूती धागों से बना है। इसमें ये बेड कवर है, अब एक एक फिट के करीब नीचे लटकता हुआ होता है, और करीब इसमें 5 मीटर कपड़ा तो ऐसा ही रहता है जो लगाते हैं अलग अलग डिजाइन में। ये भोपाल की परवीन अख्तर हैं, जिस बाजार में एक खास तरह का इत्र दहनून उद लेकर आई हैं। गंगा जमुना तहजीब को तरजीह देने वाली इस मीना बाजार में महिलाओं की जरूरत की हर वो चीज़ देखने को मिली जो कभी नवाबी दौर में महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। जहां नुमाइश के लिए रखे गए सुगंधित इत्र से लेकर नमकीन चाय और शाही चादर से लेकर ग्लास लैम्प के प्रति महिलाओं की दिलचस्पी ये बता रही है कि पिछले 72 सालों में सिर्फ वक्त बदला है, लेकिन महिलाओं की पसंद और रुचि नहीं बदली। सुल्ताना पहली बार नमक वाली चाय लेकर किसी मेले में आई। अभी तक इनके परिवार के पुरुष ही इस चाय का व्यवसाय करते आए हैं। इब्राहिमपुरा से आई परवीन भी पहली बार घर से बाहर निकल ग्लास लैंप नुमाइश के लिए लेकर आई हैं। वे कहती हैं, मेरे लिए ये एकदम नया तजुर्बा है, अगर ऐसे ही मौके मिलते रहे तो जरूर इस काम को आगे करूंगी। हाँ, अच्छी लग रही है, सबको पसंद आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छी हो रही है। मीना बाजार में सिर्फ महिलाओं को ही आने की इजाजत थी, तो जाहिर तौर पर इस मेले के रंग में भंग ना पड़े इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं, और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई महिला पुलिस ने। मीना बाजार की रंगीनियत और खुशगवार हो उठी जब कुछ विदेशी मेहमान भी यहाँ का नजारा देखने आए। इन विदेशी महिलाओं ने अपने मन की बात यहाँ उकेर दी। This paper mache pot and an elephant for my mom. Comfortable here. There's just like, it's a nice atmosphere to just walk around and shop and talk to some other women, kind of like some girl time. Yeah, and all of the things are very women oriented, so I have lots of options to choose from. Amazing. It's so cool seeing everyone come out and show all the things that they've made over time, and I'm just pretty speechless. I don't know what to, there's just so many things to get. Oh, I'm definitely going to be taking a toll on my wallet today. So everything looks very nice and all these ladies are very talented and I'm very impressed. And power to the ladies! सबसे पहले तो गर्व की फीलिंग हो रही है, प्राइड। सारी औरतें हैं यहाँ पे, खूब मजा आ रहा है। बेस्ट पार्ट वॉज जब हम अंदर घुसे थे तो सारे मर्द लोग बाहर बैठे थे और जनानी वगैरह बोले हमारे को पर्स दो और हम जा रहे हैं, तो अंदर गए हैं। एंड आई डेंट थिंक इट वॉज गोइंग टू बी सो बिग एंड आई एम सो हैप्पी दैट दीज वीमेन हैव गॉटन अ चांस टू कम आउट, शो देयर आर्ट। और प्राइसेस आर नॉमिनल, एनवायरनमेंट इज ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। मेहंदी और महिलाओं का रिश्ता सदियों पुराना है, इसीलिए तो जब मीना बाजार में मेहंदी का स्टॉल देखा तो इनसे रहा नहीं गया। मेले में कई हाथों में तरह तरह के डिजाइन बनाकर मेहंदी स्टॉल के कलाकारों को भी खुशी मिली। यहाँ पे जो महिलाएं आ रही हैं वो लोग बहुत ज्यादा फ्रीडम में होकर घूम रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, जेंट्स लोग नहीं आ रहे हैं और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है इस टाइम, क्योंकि मीना बाजार इज ऑल अबाउट लाइक फीमेल ज्यादा है यहाँ पे, तो जैसे ज्यादातर मेलों में जब भी आते थे तो काफी सारे मेल सेल्समैन वगैरह भी काफी शॉप्स पे होते थे और इक्का दुक्का स्टॉल्स पे होते थे कि लेडीज होती थी। इस टाइम ये है कि इन लोगों को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। ये शीशम की लकड़ी है, इससे बाल नहीं झड़ते हैं। तेल वाली कंघी है, हिरण वाली है, मोर वाली है, हाथी है, बतख है। महिलाओं से जुड़ी हर चीज यहाँ पर मिल जाए, इस बात का ख्याल संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम ने भी रखा
पुरुष का यहाँ कोई काम नहीं है, तो काफ़ी मतलब सेफ भी महसूस कर रहे हैं एक तरह से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन है, कुछ एंटीक भी है, कुछ यूनिक भी है, और बहुत अच्छे गुजराती और दूसरे स्टेट्स के भी कुछ देखने को मिला, तो ओवरऑल बहुत प्यारा ये पूरा जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा ही हुआ। और हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस मेले के लिए इसलिए थे क्योंकि भोपाल में ये फर्स्ट टाइम स्पेशली वुमेन के लिए एक मेला ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वेरी थैंक टू दिस डिपार्टमेंट जिसने हम लोगों के लिए सोचा और इतना अच्छा मेला ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल, लगते रहना चाहिए, मीना बाजार वाली जो फीलिंग है वो सभी जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हम आज इतनी बात करते हैं, तो मीना बाजार की एक याद ताज़ा कर दी इन लोगों ने ये मेला ऑर्गेनाइज करके, और ये मेला अगेन एंड अगेन लगे तो हम लोग बिल्कुल आएंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। और यहाँ देखिए, इन गजरों को देख किसी का भी मन इन्हें अपने बालों में लगाने का हो जाए। कुछ खरीदारों ने तो तुरंत इन गजरों को अपने जूड़े पर सजा भी लिया। बहुत खुशबूदार हैं, बहुत अच्छी हैं। काफी दिनों बाद गजरे मिले जी, तो अच्छा लग रहा है। इवन मैंने गजरा शायद फर्स्ट टाइम पहना थी। सबसे अच्छा तो ये लगा कि लेडीज ही सेलर हैं और लेडीज ही बायर हैं, सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। और हमने पान भी, सबसे अच्छा हमें चाय बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, समावार टी, एंड ये नमक होता है इस चाय में, सो मैंने फर्स्ट टाइम ये चाय पी एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। चूड़ियाँ भी है, गले के हैं, कान के हैं, थालियाँ हैं पूजा की, बाउल्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स बाउल्स। हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और जब भी इस टाइप का बाज़ार या क्राफ्ट मेला लगता है हम जरूर विज़िट करते हैं, क्योंकि इतने ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ड्रेसेस को लेके और डिफरेंट टाइप के आइटम्स वगैरह होते हैं, इतने सुंदर सुंदर क्राफ्ट आइटम्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं हमको। आई थॉट कि कुछ ट्रेडिशनल मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, मैंने काफ़ी परचेजिंग करी है। मधुबनी में जो मिट्टी के सामान का जो प्रिंट दिया है वो बहुत अच्छा है। शहर की पुरानी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के तानों बानों में बुनी कला को जिंदा रखने के मकसद से किए गए इस आयोजन में न सिर्फ आज की पीढ़ी को उन विरासतों से रूबरू होने का मौका दिया है, बल्कि ये साबित भी किया है कि बदलते वक्त के साथ हम बदले ज़रूर हैं, लेकिन हमारी पहचान, हमारी शान और हमारे एहसास वही है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़, 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।